हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कार्बन का एनोमलस बिहेवियर डिस्कस करेंगे, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी एंड एमएससी लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। सो अगर आपके सिलेबस में पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट है तो ये टॉपिक डेफिनेटली आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट में देखने को मिलेगा, जो इम्पॉर्टेंट है 2 और 3 मार्क्स के लिए बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। सो उस अकॉर्डिंग आपको ये कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करूंगा एंड बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो इन जनरल द फर्स्ट elements of each group is different from the other member of its group. This can be due to the following reason. ठीक है, तो basically हमने पिछले वीडियो में जो है group 14 के elements, जिसे carbon family के elements कहा जाता है, उसके बारे में detail में discuss किया, उसके physical and chemical properties के बारे में discuss किया। So जो पहला element होता है group 14 का, जो पहला element होता है वो carbon होता है। इसी प्रकार जितने भी group हैं, ठीक, group 13 से लेकर 18 तक के, जो कि p block के elements कहलाते हैं, इसके जो पहले elements हैं, इनका जो behavior होता है, इनका जो प्रॉपर्टी होता है, वो दूसरे एलिमेंट से जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसी को ही एनोमलस बिहेवियर कहा जाता है, असंगत व्यवहार, ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स का। तो कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन का एनोमलस बिहेवियर आप पास्ट ईयर के अनसॉल्व पेपर देखेंगे तो यह पूछा जाता है 2-3 मार्क्स में। तो उस अकॉर्डिंग आपको यह नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसके जो पहले जो एलिमेंट है, ठीक है, पहला जो तत्व है, उसके कुछ जो है डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, उसको ही हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में ग्रुप 14 का जो पहला एलिमेंट है कार्बन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके एनोमलस बिहेवियर को समझेंगे। सो दिस कैन बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, ठीक है, कई कारण होते हैं जिसके कारण जो पहला एलिमेंट है वो डिफरेंट होता है। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है, सिंपल सा, स्मॉल साइज होता है, इसमें एस और पी ऑर्बिटल्स ही होते हैं, डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाई होता है, इसके कारण जो फर्स्ट एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है। सो कार्बन डिफर फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है, तो यहां हम कार्बन की बात कर रहे हैं, ग्रुप 14 की बात कर रहे हैं, तो कार्बन किस प्रकार से दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है, किस प्रकार से एनोमलस बिहेवियर शो करता है, उसको हम एक एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पहला है, कार्बन फॉर्म्स 4 सिंगल बॉन्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, नो मोर बॉन्ड कैन बी फॉर्म, हेंस दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए बहुत सारे बॉन्ड बनाने होते हैं, ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ, लेकिन कार्बन जो है इसमें डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होता है, इसके कारण ये सिर्फ 4 सिंगल बॉन्ड ही बना सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा जो है वो बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, अतः ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते हैं, ठीक है। कार्बन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द ग्रुप, ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है, मतलब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है इस ग्रुप का, ठीक है, जो कि एक डिफरेंट इसका एनोमलस बिहेवियर हो गया, ठीक है। एंड थर्ड है, कार्बन हैज द लीस्ट आयनिक एंड कोवलेंट रेडियस, ठीक है, सबसे कम जो है इसका आयनिक और कोवलेंट रेडियस होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ कोवलेंट कंपाउंड इज मैक्सिमम इन कार्बन, ठीक है, कार्बन में जो है कोवलेंट कंपाउंड बनाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। कार्बन हैज द हाइएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसका एटॉमिक साइज छोटा होता है, इसके कारण इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो दूसरे एलिमेंट्स की तुलना में हाईएस्ट होता है, ठीक है, ये हमने पिछले वीडियोस में भी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। कार्बन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस प्रकार से इसमें मैक्सिमम टेंडेंसी होती है कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स जो है फॉर्म कर सकता है। सेवन पॉइंट है हमारा, कार्बन हैव अ स्पेशल एबिलिटी टू फॉर्म कार्बन चेन्स, सो दे फॉर्म मेनी कंपाउंड विथ लॉन्ग चेन्स, ठीक है, इसमें एक स्पेशल एबिलिटी होता है कार्बन चेन का फॉर्मेशन करने का, ठीक है, कार्बन चेन बना सकता है, तो ये बहुत सारे जो है कंपाउंड्स के साथ लॉन्ग चेन से जुड़ा रहता है, तो ये एक इसका एनोमलस बिहेवियर हो गया, ठीक है। मतलब एनोमलस बिहेवियर मतलब किस प्रकार से ये अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ कार्बन का ही प्रॉपर्टी है, इस ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उसमें ये प्रॉपर्टीज नहीं पाया जाता है, तो इसी को ही आपको डिस्कस करना है आपके थ्योरी एग्जाम्स में। 2 और 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि कार्बन के एनोमलस बिहेवियर को डिस्कस कीजिए, तो आप ये पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। 8th पॉइंट है हमारा, कार्बन फॉर्म्स गैसियस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाइल द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फॉर्म सॉलिड ऑक्साइड, ठीक है। तो जो कार्बन होता है यही एक ऐसा एलिमेंट है जो गैसियस ऑक्साइड बनाता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं
वो सभी जो है सॉलिड ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट हो गया, एनोमलस बिहेवियर हो गया कार्बन का। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके थ्योरी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बेसिकली मैं ये नोट्स आपको आपके थ्योरी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से प्रोवाइड कर रहा हूं, इसको आप डायरेक्ट अपने थ्योरी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको कंप्लीट हैरिटन नोट चाहिए पीडीएफ फॉर्म में यूनिट वाइज, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट मैं लिंक मिल जाएगा, वहां आप चेक कर सकते हैं एंड बीएससी एंड एमएससी लेवल के सभी हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आप डायरेक्ट अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो इफ यू फाइंड हेल्पफुल, सो प्लीज चेक आउट दैट पीडीएफ स्टोर एंड आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।